जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मी में कमेंडेशन बैच क्या होता है और इन्हें अर्न कैसे किया जाता है। दोस्तों, कमेंडेशन बैच जनरली दो तरीके के होते हैं। पहला है COAS कमेंडेशन बैच, जो कि है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन बैच, और दूसरा है VCOAS कमेंडेशन बैच, जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन बैच। पहले हम बात करेंगे COAS कमेंडेशन बैच की। ये अवार्ड किसी भी इंसान को ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेशनल एरिया में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और एक्ट ऑफ गैलेंट्री के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड बेसिकली एक ब्रिज है उन एक्ट्स के लिए जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी तो हैं पर हायर गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो ऐसे एक्ट्स को COAS कमेंडेशन बैज मिलता है। इस अवार्ड के लिए आर्मी की सारी रैंक्स और सिविलियन पर्सनल्स जो आर्मी के सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल के अंडर काम कर रहे हैं कि सभी लोग एलिजिबल हैं। ये अवार्ड मरणोपरांत या पोस्टमसली नहीं दिया जाता है। VCOAS कमेंडेशन बैच, ये अवार्ड भी ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड तब दिया जाता है जब एक्ट ऑफ सर्विस हायर गैलेंट्री अवार्ड के लिए क्वालिफाइड ना हो। इस अवार्ड के लिए आर्मी और सिविलियन पर्सनल्स जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर काम कर रहे हैं, वो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशंस जो कमांड हेडक्वार्टर के ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करती हैं, या कोई सेंट्रल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर काम कर रही हो, वो भी इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। आइए देखते हैं इन कमेंडेशन बैजेस को पहनने के क्या रूल्स होते हैं। केवल दो तरीके के कमेंडेशन बैज यूनिफॉर्म पर पहने जाते हैं। पहला है COAS कमेंडेशन बैच, यानी चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन बैच। दूसरा है आर्मी कमेंडेशन, जिसमें इंक्लूड होते हैं GOCs इन C, RTRAC और VCOAS। GOCs इन C होते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ गार्ड। GOC जनरली कोर कमांडर होते हैं जिनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। दूसरा है RTRAC, ये दिया जाता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा। जितने भी आर्मी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं वो हेड किए जाते हैं RTRAC द्वारा। और आखिरी है VCOAS, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैच। कमेंडेशन बैचेस अगर एक से ज्यादा बार मिले तो बैचेस में स्टार ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो कमेंडेशन बैच मिले हों तो वो एक स्टार से डिनोट कर दिया जाएगा, और अगर तीन कमेंडेशन बैच तो इन्हें 2 स्टार से डिनोट किया जाएगा। यानी आगे मिलने वाले सेवरल कमेंडेशन बैच ओरिजिनल बैच के ऊपर स्टार एड्स करते चले जाएंगे। दोस्तों, नॉर्मल बैच और रिबन आर्मी पर्सनल लेफ्ट साइड पॉकेट के ऊपर पहनते हैं, पर ये कमेंडेशन बैच उसी साइड थोड़ा नीचे की ओर पहने जाते हैं। जिन भी इंडिविजुअल्स को चीफ ऑफ नेवी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन मिला हो, वो ये कार्ड पहनना कंटिन्यू करते हैं जब तक वो नेवी, एयरफोर्स या ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड हो। जैसे ही ट्राई सर्विस का टेन्योर पूरा करके इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन वापस आते हैं तो फिर वो आर्मी कमेंडेशन बैच ही पहनते हैं, और अगर ट्राई सर्विस में भी कमेंडेशन मिला हो तो वो 1 स्टार की तरह एड ऑन कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।